आप सभी को नमस्कार। अच्छा लगा यहाँ पर आप आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आपका शुभ परिचय सर। जी, मेरा नाम विपुल पाठक है और मैंने MBA इंटरनेशनल बिजनेस किया हुआ है और मैं कुछ साल तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद लखनऊ में आचार्य पारसमणि शर्मा जी के साथ हमने एक गुरुकुल स्टार्ट किया है। वहाँ हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन दोनों का ब्लेंड एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा। और टोटली निःशुल्क है, उसमें बच्चे का रहना, खाना पीना, पढ़ाई, किताबें सब हम लोग अपने माध्यम से वो चीज़ कर रहे हैं। और हम लोग की जो एक एम है वो ये है कि बच्चा वैदिक शिक्षा, जो हमारी सनातन शिक्षा है, उसको अपने रूट्स में लेके वापस समाज में जाए। अच्छा। और उसके ऊपर जो उसका कैरियर पक्ष देखा जाए तो वो टोटली फ्री हो कि वो प्राइवेट जॉब करे, पब्लिक जॉब करे, वो IAS बने, वो अपना काम स्वयं करे, या वो इसी क्षेत्र में आगे जाए, आगे और हमारे मंत्रों पे रिसर्च करे, जो उसकी इच्छा हो उस तरीके से वो आगे बढ़े और समाज में जाए। समाज में ऐसे लोग घुसेंगे और वहाँ से जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या लोगों के जो भ्रम हैं उसको दूर तभी किया जा सकता है जब हम उसके अंदर घुस के वो चीज़ें करें। बिल्कुल, तो वो हमारा टारगेट है। सर, आप पठन पाठन का कार्य वहाँ देखते हैं जी, तो क्या विशिष्टता रखते हैं सर ध्यान में? वहाँ जो अध्ययन हो रहा है वो मुख्य रूप से वेद का है, वेद के साथ साथ में जो आधुनिक शिक्षा है उसको कर रहे हैं। उद्देश्य है कि हमें वैदिक जीवन कैसे जीना चाहिए, मानव जीवन, वो चाहे प्रकृति के प्रति हमारी क्या दायित्व है या पशुओं के प्रति है या मनुष्यों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हम उसको समझते हुए जीवन को जिए। और वो कल्चर हम तभी सीख सकते हैं, वो शैली हम तभी आ सकते हैं जब हम वैदिक जीवन को में कुछ दिन अध्ययन करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, फिर उसके अनुसार हम जीवन जिए। और जीवन यापन के लिए जो धन की आवश्यकता है वो आज के आधुनिक शिक्षा के अनुसार जैसा हम जीवन अपना बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके अनुरूप हम उसमें आगे बढ़ें। सर, कुछ रूटीन बताएंगे जो अपने गुरुकुल का आप मेंटेन करते हैं? जी जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। लगभग कितने बजे? लगभग 4:30 बजे बच्चे सारे उठ जाते हैं, नित्य क्रिया आदि करके अपना स्वाध्याय करते हैं और फिर संध्या वंदन, सूर्योदय से पहले जो प्रातः संध्या वंदन होता है वो करते हैं, फिर योगासन आदि, ध्यान प्राणायाम आदि करते हैं, फिर स्वाध्याय, नाश्ता आदि करके कक्षा में होते हैं, 12 बजे तक उनकी क्लास होती है। मध्यान्ह संध्या के बाद भोजन आदि करके वो फिर आधुनिक विषय जो है इंग्लिश साइंस, सोशल साइंस है या मैथ है, वो अध्ययन करते हैं। शाम को 1 घंटे क्लास, उन जो उनका खेलना है वो होता है, और शाम का फिर अपना स्वाध्याय और संध्या वंदन आदि वो शाम करके रात्रि में 9:30-10 बजे सोते हैं। ये उनकी पूरा दिनचर्या रहती है। ये कम्बिनेशन है ना, गुरुकुल और गौशाला? जी, गौशाला भी है लेकिन शिक्षा गौशाला इसलिए है क्योंकि गाय को हमारे धर्म में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि गाय की प्रत्येक चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जीवन सिर्फ मानव जीवन नहीं, संपूर्ण प्रकृति के लिए गाय का प्रत्येक चीज़, जो भी गाय से हमें मिल रही है, गाय का दूध है, गोमूत्र है, गाय गोबर है, वो प्रकृति, संपूर्ण जो गाय से हमें प्राप्त है वो संपूर्ण इस प्रकृति के लिए आवश्यक है, इसलिए गाय और गुरुकुल दोनों है। अभी सर जरा सा मुझे बताइए कि अभी कितने बच्चे हैं आपके यहाँ गुरुकुल में? अभी हमारे यहाँ 33 बच्चे हैं और हमारे यहाँ सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की हम लोग के यहाँ पढ़ाई चल रही है। कैसे बच्चों, जैसे कोई चाहे कि आपके यहाँ अगर भेजें तो क्या है जरा सा एक प्रोसेस? वो हमें संपर्क करें, हम उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, समझना चाहते हैं कि वो क्यों एडमिशन कराना चाहते हैं, फिर हमें बच्चा अगर ठीक लगता है कि हाँ हम इसको रख सकते हैं तो 1 महीने तक बच्चे को हम अपने यहाँ रखते हैं ताकि बच्चा हमारे एनवायरनमेंट में सेट हो पा रहा है कि नहीं, बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं, और हम बच्चे को देख के हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कि हम उसको इस क्षेत्र में वो आगे तक उसको ले जाएं। वो 1 महीने बाद जब दोनों चीज़ें कंफर्ट हो जाती हैं तब उसका एडमिशन कंफर्म करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप लोग एक ऐसा लगता है ना कि मतलब भारत में खासकर बहुत पहले गुरुकुल हुआ करते थे जी, अब तो बहुत कम रह गए हैं। और पहले के तो कोई गुरुकुल अभी कंटिन्यू है सर आपकी नज़र में, जो पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है? जी जी, आज से कई वर्षों से, जैसे यहाँ बनारकाशी में ही सांगवेद विद्यालय, बल्लरम सालग्राम सांगवेद विद्यालय, जो लगभग 110 वर्षों का
हो गया है वो। अच्छा। अन्य काशी में कई हैं, 50 वर्ष से विद्यालय लगातार चल रहे हैं। संपूर्णतः वो गुरुकुल है। हाँ, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। अच्छा। ही उसमें है, वेद आदि शास्त्र आदि उसमें अध्ययन अध्यापन कराए जाते हैं। तो ये यहाँ काशी में भी है, अन्य कई जैसे श्रृंगेरी मठ है या पुरी में जो मठ आदि हैं, तो वो तो कई वर्षों से वहाँ परंपरा चली आ रही है, वहाँ अध्ययन अध्यापन शास्त्र और वेद आदि का होता है। कि अभी तो हम लोग का जो विज़न है वो तो काफ़ी वाइड है, और अभी लोगों के मन में ये है कि अगर किसी ने अपने गुरुकुल में बच्चे को एडमिशन कराया है तो वो पंडित बनाने के लिए कर रहा है। हाँ, लोगों के मन में भ्रांति है। मन में भ्रांति है, लेकिन पहले तो गुरुकुल ही एक इकलौता माध्यम था शिक्षा का। तो हमारा जो लंबा विज़न एक ये है कि पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उस चीज़ को हम यहाँ पर लाएँ, और उसमें गुरुकुल के साथ सिर्फ उसमें वैदिक एजुकेशन या जो मॉडर्न एजुकेशन अभी ऐड हुई है वो, ताकि हम नए समाज के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, वो अलग चीज़ है। बट उसके अलावा बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे 64 कलाएँ हैं, सेल्फ डिफेंस की चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, एस्ट्रोलॉजी है, और बहुत मतलब जो आज मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वेद में उसके चीज़ें हैं। तो वेदों को लेके हम वो चीज़ें सबको पढ़ाएँ। अच्छा सर, कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी ना? कठिनाइयाँ कॉन्टीन्यूसली नहीं है, कठिनाइयाँ नहीं हैं तो फिर आप फिर कठिन मार्ग नहीं पकड़े। अच्छा। अगर कुछ हम ऐसा अचीव करने चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है या जो हमें करना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया। नहीं किया। सरकार के द्वारा कुछ मदद मिलती है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक मतलब आपने जो अर्जित किए थे जी, ठीक है, कमा कर उसी को खर्च करके? नहीं, उसको पूर्णता नहीं कह सकते, क्योंकि समाज का योगदान है। थोड़ा लोग कुछ अन्य जैसे लोग डोनेट कर रहे हैं, कुछ अनाज डोनेट कर रहे हैं, किसी ने कभी साल भर में बुक्स डोनेट कर दी। बस एक हम लोग के साथ चैलेंज ये है कि हम लोग को पता नहीं रहता कब क्या हो जाएगा। मतलब अभी अगर सितंबर चल रहा है तो हमारे पास अक्टूबर का राशन है, नवंबर में क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम मतलब पूरा सिस्टम ही वर्तमान में जी रहा है। हाँ जी। तो अब हम लोग को ये है कि ये पता है कि जब तक नवंबर आएगा तब तक कुछ ना कुछ ईश्वर करेंगे कि कोई आ जाएगा, या तो वो कुछ पूजन के माध्यम से या कुछ अनाज देने के माध्यम से या किसी ना किसी माध्यम से कुछ हमारे पास हेल्प आ जाएगी और हम एक महीने और आगे बढ़ेंगे। सर, क्या नाम है गुरुकुल का? गुरुकुल का नाम है श्री कपिलेश्वर वैदिक गुरुकुलम। ये वेबसाइट है इसका? हाँ, वेबसाइट है, सारे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको प्रमोट करें ऑनलाइन। मैं चाहूँगा कि लोग कम से कम देखें और आपकी इस पहल को सम्मान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।